नमस्कार आप देख रहे हैं स्टडी टीवी ट्वेंटी फोर न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ करम सर आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें कानपुर गोविंद नगर विधानसभा से टिकट मांग रहे कांग्रेस के दक्षिण जिला अध्यक्ष शैलेन दीक्षित ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया उन्होंने कांग्रेस कमान पर गंभीर आरोप लगाए कहा कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है पार्टी की तीस साल सेवा की है लेकिन पार्टी के गलत निर्णय से मैं आहत हूँ बता दें कि शैलेन दीक्षित गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे लेकिन पार्टी ने करिश्मा ठाकुर को टिकट देकर गोविंद नगर विधानसभा मैदान में उतारा है इसके बाद से ही उनकी पार्टी छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी जानकारी के मुताबिक जल्द से जल्द अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं कानपुर से जुबैर खान की खास रिपोर्ट और पार्टी सत्ता की छटपटाहट में गांधीवादी रास्ते से हट करके तुष्टिकरण की और अवसरवादिता की नीति अपना रही है इसके विरोध में अपने अपनी तीस साल की पार्टी के प्रति की गई सेवाओं को के बाद भी इस दल से इस्तीफा दिया है लेकिन मेरा जनता से ये निवेदन है कि जो जनसेवा के कार्य हैं हम और हमारे साथी उसी तरीके से करते रहेंगे निश्चित तौर पर कानपुर में या कानपुर के आसपास ज़िलों में जिस तरीके से अविवेकपूर्ण ढंग से टिकट का वितरण किया गया है जो लोग बैठे हैं लखनऊ में जिस तरीके से उन्होंने बंदर बाट किया वह संतोष का कारण है उदाहरण है कि कानपुर में छः लाख ब्राह्मण है लोकसभा सीट के अंदर और एक भी ब्राह्मण चेहरे को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है इससे उनमें असंतोष है अभी हम ये विचार विमर्श कर रहे हैं और किसी भी क्षण हम लोग जो फैसला लेंगे अपने साथी बैठ करके आपको अवगत कराएंगे